तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, रिक्वेस्ट आए हैं कि कौन सी माइक्रोफोन हम लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अगर आप बोया M1 का माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका ऑडियो क्वालिटी अच्छा रहेगा, स्टूडियो लेवल का ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग में, लेकिन स्ट्रीमिंग में आपको उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आता है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी अलग रहता है, सैम्पलिंग रेट अलग रहता है। पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में आप देख सकते हैं मोनो का मैंने इस्तेमाल किया, ऑडियो क्वालिटी आप सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं। पॉडकास्टिंग माइक्रोफोन किट, इसका मतलब ये स्पेशली पॉडकास्टिंग के लिए बना है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग में एकदम तगड़ा क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। और इसका मॉडल नंबर है AU-A04 और हाई सैम्पलिंग रेट है यहाँ पे 192 kHz/24 और इसका पोलर पैटर्न है, कार्डियोइड है, जैसे कि बोया माइक का ओमनी डायरेक्शन रहता है, इसका पोलर पैटर्न है कार्डियोइड। और यहाँ पे प्रोफेशनल साउंड चिपसेट को इस्तेमाल किया, USB 2.0 प्लग एंड प्ले, कोई भी ड्राइवर्स का इंस्टॉल करने का ज़रूरत ही नहीं, और कंपैटिबल है विंडोज मैक्स के साथ। और इसमें डायाफ्राम 16mm कैप्सूल को इस्तेमाल किया गया है, फुल मेटल केसिंग, कोई भी प्लास्टिक का फिनिशिंग नहीं दिखेगा आपको। इसके अंदर बूम आर्म स्टैंड भी है, जैसा कि माइक के साथ टोटल किट आपको मिल जाएगा। अगर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन विथ डायग्राम आपको दिख जाएगा। और ये है गाइस इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन, गाइस यहाँ पे देख सकते हैं डायाफ्राम 16mm कंडेंसर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख लीजिए 30 Hz से लेकर 16 kHz, और यहाँ पे सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है, मैक्सिमम SPL और इक्वलेंट नॉइस लेवल, तो ये सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट है गाइस। और इसे एक्सप्लेन करना है डीपली तो एक सेपरेट वीडियो हो जाएगा, तो हम सिर्फ देख लीजिए इन्फॉर्मेशन। एक हैप्पी कार्ड जिसमें QR कोड्स है, सोशल मीडिया का लिंक सब कुछ है, और यहाँ पे यूजर मैनुअल जिसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। और ये है फॉर्म विंडस्क्रीन, जो भी हवा का डिस्टर्बेंस रहता है उसे रिमूव करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। और देख लीजिए इसी तरह आप आसानी से रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, सिर्फ आप सिंगिंग में इसे निकाल सकते हैं, बाकी का हर जगह भी आप इसे इस्तेमाल करो, डेफिनेटली विंड का नॉइस को कम कर देगा, क्लियर और क्रिस्प वॉइस आपका रिकॉर्ड होगा। तो चलो पॉप फिल्टर को दिखाऊंगा आपको, तो देख सकते हैं एक अच्छा क्वालिटी है। तो गाइस ये प्राइस में आपको इतना अच्छा क्वालिटी वाला पॉप फिल्टर भी दिया जाता है। यह है माइक्रोफोन और यह है USB A to B केबल, बूम आर्म स्टैंड, यह है डेस्कटॉप का माउंट और यह है शार्क माउंट। तो गाइस ये है इसका इंस्टॉलेशन, जैसा कि इसमें आप इसी तरह रख सकते हैं, और जिस तरफ ये लोगो है उस तरफ ही आपको बात करना है। अगर आप ए डायरेक्शन में बात करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह रख लेना है ए डायरेक्शन में, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं आप, जिसे इसे प्रेस करो आ जाएगा, आसानी से रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको प्रेस करना है दो क्लिप्स को। और यहाँ पे केबल है गाइस 2.5 मीटर्स का, बहुत लंबा केबल है, और इसको भी बाजू रखेंगे। ओके गाइस, पहला आपको इंस्टॉल करना है टेबल माउंट, डेस्क माउंट जो भी आप कह लीजिए, इसको आप लगाना है कोई भी टेबल आपका जो कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे, उसे लगा के रोटेट करो। अब हम इंस्टॉल करना है बाकी के एक्सेसरीज, तो शार्क माउंट को बूम आर्म स्टैंड से जोड़ना है, तो शार्क माउंट को एडजस्टमेंट रहेगा उसे टाइट कर लो ताकि आपको आसान से फिट हो जाए, और उसके बाद बूम आर्म स्टैंड को भी एडजस्टमेंट रहेगा उसे भी टाइट करो, तब दोनों को मिला के जोड़ दो और रोटेट करो, धीरे धीरे आसानी से वो फिट हो जाएगा। और प्रॉपरली सेटअप होने के बाद उसे आप रखना है टेबल माउंट के ऊपर, जैसा मैंने दिखा रहा हूँ उसी तरह इंसर्ट करो, आसान से इंसर्ट करने के बाद नीचे स्क्रू रहेगा, उसे टाइट करने के बाद वो प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। वो केबल पावर जैसा भी काम करेगा और इनपुट जैसा भी काम करेगा, जो भी USB 2.0 है उसको सिस्टम में रख दो। और दूसरी तरफ एक पॉप फिल्टर भी है एक्स्ट्रा, अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तभी वो पॉप फिल्टर काम करेगा। वॉइस ओवर्स में आप फॉर्म विंडस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं,
और सिंगिंग के लिए ही पॉप फिल्टर इस्तेमाल करना है। जैसा मैंने दिखा रहा हूँ उसी तरह पॉप फिल्टर को फिट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा सैंपल्स, ये जो सैंपल्स हैं सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया हूँ, तो आप इसे सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। ये है ऑडियो सैंपल, रिकॉर्ड किया गया है यम्मा ईयरफोन्स का माइक से, और बैकग्राउंड नॉइस भी आप सुन सकते हैं और ऑडियो क्वालिटी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है ऑडियो सैंपल, रिकॉर्ड किया गया है बोया M1 माइक से, और बैकग्राउंड नॉइज भी आप सुन सकते हैं और ऑडियो क्वालिटी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है ऑडियो सैंपल, रिकॉर्ड किया गया है मोनो माइक से, बैकग्राउंड नॉइज भी आप सुन सकते हैं और ऑडियो क्वालिटी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम। गाइस फटाफट लाइक चेयंडी, सब्सक्राइब चेसुकोंडी, मनम डैली 10:30 ला लाइव स्ट्रीम चेस्तू उंटाम। वो टाइप करके स्पेसिफिकेशन चेक करो और आपको मिल जाएगा। एक्चुअली वीडियो देखो, वीडियो में बहुत क्लियर से समझा था, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। रियलमी X2 प्रो में मैं MHL चलेगा नहीं ब्रो, एक्चुअली मैंने चेक भी किया था X2 प्रो। ओके गाइस, फाइनल पार्ट कंक्लूजन, मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। ये माइक्रोफोन से आप एकदम बढ़िया क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग में डेफिनेटली अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने सुना है सैम्पल्स, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिर्फ इसमें दो कॉन्स हैं। पहला कॉन है इसका फॉर्म फैक्टर, इसको जो साइज़ है थोड़ा ज़्यादा है आपको दिखेगा। अगर आपको फेस के वीडियोस, जैसा कि कुछ टेक्नोलॉजी वीडियोस में तो फेस कैम के वीडियोस करना है, तो थोड़ा बहुत तो कवर कर देगा आपका फेस को। कुछ लोगों को एक कॉन रहेगा, कुछ लोगों को एक अच्छा भी रहेगा, क्योंकि गाइस वो माइक्रोफोन का डिज़ाइन भी अच्छा रहता है दिखाने के लिए, देखने के लिए। कुछ व्यूअर्स को पसंद भी आता है माइक्रोफोन को देख के। और दूसरा कॉन है डिस्टेंस। ये माइक्रोफोन में जो भी डिस्टेंस रहता है आप मेंटेन करते हैं बीच में, कम से कम आपको 1 फीट रखना है गाइस। उससे ज़्यादा पीछे जाएंगे तो ऑडियो क्वालिटी कम हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो यही एक कॉन है गाइस, इसमें थोड़ा पास रह के आप रिकॉर्ड करना है, तभी जाके आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा। उसके बाद आप नॉइस रिमूव कर सकते हैं, एकदम उसका क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ दो कॉन्स हैं मेरे हिसाब से, और बाकी का सब कुछ ठीक है गाइस। इस प्राइस रेंज में उससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, परफेक्ट चॉइस है गाइस। और कमेंट करो आपका क्या ओपिनियन है, कैसा लगा आपको वीडियो और क्वालिटी कैसा लगा, सैंपल्स आप सुने हैं कैसा लगा आपको, सबके बारे में कमेंट करो। तो गाइस बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। इसी तरह के वीडियोस देखना है, टेक्नोलॉजी वीडियोस, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो और एक लाइक तो बनता है, तो शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।